हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा। सांगो माने आज आम जी ओडिया ग्रामर अभय उपर किसी क्वेश्चन आपण मानक पाई कि नहीं कि आई पूरा बछा बछा क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबार 100% चांस अच्छी से क्वेश्चन जे कि आज आम आपण मानक पाई कि नहीं कि आई जे कि आज गोटे वीडियो रे आम कौन करबा ना अभय उपर टोटल जिते भी क्वेश्चन बनुची सब आम कंप्लीट करदे। ठीक अच्छे जे कि प्रथम कौन है ना आपण मानी मुझे थियोरी आकार में आनी जोटा कि आम कहीपर कि कनसेप्ट थियोरी आकार में आम प्रथम कनसेप्ट क्लीयर करवापर रखी आपण मानी किसी एमसीक्यू जे कि कनसेप्ट क्लीयर करेंगे सांगे सांगे तारीपर आम एमसीक्यू भी जेकि डिस्कसन करवा बहुत इंपोर्टाट रोचे आमर जे कि एग्जाम आपण मैंने तो जानते वर्तमान टाइम जे कि ओ ट्रिपल एसी फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर एग्जाम चली तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहउची। वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु। जदि भी आपण मानकु एहर पीडीएफ दरकार आपण माने हम जीके ओडिसा टेलीग्राम चैनल जॉइन होइकि एहर पीडीएफ टी को पाई परिबे। ठीक अछि, तेबे चालंतु आज प्रथम क्वेश्चन टी को आमे आरंभ करिबा। पूरा प्रथम आपण कोन करंतु ना कांसेप्ट को प्रथम भलसे बुझंतु तापर आपण देखिबे आंसर आराम से देकि आसीबे। ठीक अछि, देखु प्रथम ये कौच कि अभय। ठीक अच्छे, आम अभय क्या कहवा तो आपण मैंने सांगे सांगे कहे जो पद मानर लिंग विभक्ति वचन पुरुष बा काल परिवर्तन हुए ना ताकू आम अभय बोली कहवा। बुझिपाले क्या कहवा ना आपण मैंने कहे जो पद मानर लिंग विभक्ति वचन पुरुष बा काल परिवर्तन हुए ना ताकू आम अभय बोली कहवा। तो तापर देखु सेकेंड पॉइंट रे कौन देना वाक्य जो पदर परिवर्तन हुए ना आम अभय कहवा। तो आपण मानक मनरे आसो वाक्य क्यों पदर परिवर्तन हुए ना तो आपण मानक टिके पूर्वर कहली लिंग विभक्ति वचन पुरुष बा कालर परिवर्तन हुए ना ताकू आम अभय बोली कहवा। बुझिपाले ना ना तापर चलंतु एग्जांपल दीटा तीनटा देखिदबा जोटा कि आपण पूरा डाउट क्लीयर हो। देखु फास्ट एग्जांपल आपण मानक मेनसन करी राम ओ हरि पढ़ुंट तो ये कौटा गोटे चेंज हो पारे कहतु क्यों पदटा गोटे आम चेंज हो पारे तो आपण मैंने कहे ओ ओ पदटा चेंज हो पारे राम एवं हरि चेंज हो हरि रहीपर कि राम रहीपर। ठीक अच्छे, किंतु एठी ओ पदर चेंज हो पारिबनी। बुझिपारंतु कौन कौच राम ओ हरि जे कि पढ़ुंट राम ओ हरि खेलुंट तो ओ पदर कौन एटी ना अभय। ठीक अच्छे, आपन को एमती गोटे क्वेश्चन एग्जाम्पल दे दी थी राम ओ हरि पढ़ुंट यह भितर कौटा गोटे अभय तो आपण मैंने कहे कि लिंग विभक्ति वचन पुरुष बा कालर परिवर्तन हो ताकू आम अभय बोली कहवा। तो सांगे सांगे कहीदेवे ओ ओ रही तो कौन सी प्रकार परिवर्तन हो पारुनी तो राम रि पर राम र ना हरि रहीदेव किंतु ओ आउ जो रहा तार परिवर्तन होना ताकू आम अभय बोली कहवा यही पदर क्लीअर। बुझिपाले तापर देखु नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन दे दिलीप भल खेलुची किंतु पढ़ुनी दिलीप भल खेलुची किंतु पढ़ुनी। ठीक अच्छे, ये जो किंतु लगला किंतु कौन किंतुर कौन सी परिवर्तन हो पारनी तो यहीटा को आम कह अभय बोली। ठीक अच्छे, तापर देखो तीन नंबर एग्जांपल कौन दे तुमे बा मु जीए गले चलिबो तुमे बा मु जीए गले चलिबो कहतु एटी कौन है देखु तुमे बा मु जीए भी गले दिज भितर चलो तो आपण मैंने कहे जो बाटा लगला बार कौन परिवर्तन हम ना ताकू आम अभय बोली कहवा कहीं आम फास्ट रू पढ़ी आई अभय क्या कहवा ना जो पद मानर ये पद मानर कौन ना विभक्ति वचन पुरुष बा काल परिवर्तन हेबो ना ताकू आम अभय बोली कहवा। तो आपण मैंने कहतु ये बार केमी परिवर्तन हम पदर परिवर्तन हम तो आपण मैंने कहे ना बार परिवर्तन हम ना तेणु आम यटा को आम कहीपर अभय बोली एमती आपण को एग्जांपल पचार दे थी तुम्हें बा मु जीए गले चलो एम भितर अभय पद किए तो एग्जांपल आपण मानक कौन आम ऑप्शन रे तुम्हें मु बा जीए तो आपण मैंने करेंगे बा जे कि आम हो कौन ना अभय पद क्लीअर। बुझिपाले अभय पद क्या कहा जाए। ठीक अच्छे, चलतु नेक्स्ट देखा तापर देखु अभय कौन देला जे कि संभावना सूचक अभय। अभय तो बहुत अनेक प्रकार अच्छी अभय अनेक प्रकार अच्छी आम से किसी डिस्कसन करदे जोटा कि बारंबार एग्जाम आसूरी जारी उपर क्वेश्चन आसूरी जो अभय उपर क्वेश्चन आसूरी से ही अभय गुराक किसी डिस्कसन करदे एमसीक्यू प्रोवाइड करदे बस आप डाउट क्लीयर। बुझले संभावना सूचक अभय क्या कहु कहतु
जो अभय संभावना को प्रकाश करे ताकू संभावना अभय कहा जाए मुझे कौन कनसेप्ट भल भाव पढ़ु यह भी एम सिक्यू मुझे रखी से देखिए ठीक अच्छे एटी कहला कि संभावना सूचक अभय क्या कहवा ना जो अभय संभावना को प्रकाश करे ताकू संभावना अभय कहवा जमी केमी जानवे आप देखो जो जगार जदि जेबे कालेर व्यवहार करा जाइथिबो तो आपण माने जानि परिबे एटा होउछि गोटे संभावना सूचक अभय कौन कहली ना जो जगार जदि जेबे कालेर व्यवहार करा जाइथिबो तो आपण माने आराम से कहिदेबे एटा होउछि गोटे आमर संभावना सूचक अभय एवं वाक्यटी को देखला परे आपण माने निश्चय जानिदेबे एटा को अभय रे जाउछि किंतु कांसेप्ट क्लियर होबा दरकार फर्स्ट माने रखंतु एग्जाम्पल देखु कौन कौन एग्जाम्पल देखे आम जापर प्रथम आप जाने ना ना जो अभय संभावना को प्रकाश करे ताको संभावना सूचक अभय कहा जाए जदि जब काले जो व्यवहार करेंटा भी जापर एटा हूँ गोटे संभावना सूचक अभय एग्जाम्पल देखु वर्षा जदि है मु ओदा हो वर्षा जदि है वर्तमान पर्यंत वर्षा होनी ये कही कौन वर्षा जदि है संभावना वर्षा हबार संभावना अच्छी ये कहला वर्षा जदि है मुदा हो तो ये कौन ना जदि जो लगी देखूँ जदि लगी तो आपराम से कहीपर एटा हूँ गोटे संभावना सूचक अभय ठीक अच्छे बुझिपारे ना बुझिपारे जदि वर्षा होता एमती कहीं कही था जदि वर्षा है मुदा हो एक से कही न था कही था कि आमर कौन वर्षा है मुदा होगली आदि कहीं लगला जदि एथपाई लगला जे कि वर्तमान वर्षा हो से आमर जदि लगी वर्षा जदि है मुदा हो तो जदि हो जाऊँ गोटे संभावना सूचक अभय जे कि जदि लगी आम जापर ऑप्शन कौन मन रखुद क्वेश्चन पचारिद कि वर्षा जदि है मुदा हो पदरे जे कि संभावना सूचक अभय कौटा तो आपण मैंने कौन कहे जदि जदि है मुदा लगी ना आपण मान को कहली तो वार्ड जो सब लगी देखिक आराम से कहीदे यहाँ हूँ गोटे आम संभावना सूचक अभय क्लीअर तापर देखूँ एग्जाम्पल आ गए तुम्हें जब भल भाव पढ़व तुम्हें जब भल भाव पढ़व तेब श्रेणी प्रथम होब ठीक अच्छे तुम्हें जब भल भाव पढ़व श्रेणी प्रथम होब बुझे श्रेणी प्रथम हम ये लिखी मेनसन कर कहि तुम्हें जब भल भाव पढ़व श्रेणी प्रथम होब तो आपण मैंने कहे जब जब लगे आम जानदेलु तो सांगे सांगे कहीदेबू यहाँ गोटे संभावना सूचक अभय गोटे मानने कौन जिनसटा घटनी जिनसटा घटनी किंतु से जिनसटा को बर्तमान कहूँ जदि है मुझे करी ठीक अच्छे तेल सी जब भल पढ़ बर्तमान भल पढ़नी जब भल पढ़ आग को ठीक अच्छे तो ये टाइप आसुव वर्ड गला तो आपण मैंने जापर यहाँ हूँ संभावना सूचक अभय क्लीअर बुझिपारे संभावना सूचक तापर चलतु नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौच कि निर्देशात्मक ठीक अच्छे निर्देशात्मक अभय क्या कह जाए देखु ये आपण मैंने कहे निर्देशात्मक अभय जो अभय को जन को बारण करषेध करषेधात्मक अभय कह जाए ठीक अच्छे कौन ना जो जगार आम जापर न ना नचेत नीर व्यवहार करईटा हूँ गोटे निर्देशात्मक अभय कनसेप्ट क्लीअर करूँ फास्ट जो अभय जन को बारण करे कि गोटे काम करने को जड़े मना कर बुझुचना तो ताको आम निर्देशात्मक अभय बोली कहवा जमी देखूँ एग्जाम्पल दौर न कला कम कर ना नकला कम कर ना मुझे कौन कही जो जगार ना न नचेत नीर व्यवहार कराम से जापर से गोटे निर्देशात्मक अभय ठीक अच्छे न कला कम कर ना तो न रवहार कर तो आपराम से कहीदे ये गोटे निर्देशात्मक अभय क्लीअर तापर देखु ना से कम मुबी ना न ना ना रो भी उच्चारण है ना से कम मुबी ना ना रो व्यवहार कर तो आपराम से कहीदे यहाँ हूँ गोटे निर्देशात्मक अभय बुझिपारे तुम्हें से कम करनी नचेत मुठार पलैबी गोटे एग्जाम्पल देखु आ गए दौर तुम्हें से कम करनी नचेत मुठार पलैबी तो नचेत्र व्यवहार करेंगे सांगे कहीदेवे यहाँ हूँ गोटे निर्देशात्मक अभय न ना नीरो प्रश्न जोटि भी उठिला ना कहीं तो आपण मैंने सांगे सांगे कहे से गोटे निर्देशात्मक अभय क्लीअर बुझिपार तेज चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
प्रथमे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ तापर एमसीक्यू मु पूरा जबरदस्त एमसीक्यू रखी पूरा डिस्कशन करिबे एवं पूरा गोटे वीडियो रे आपणकर अवय उपरे पूरा क्लियर हो जिवे जम्मा भी गोटे परसेंट भी आपणकर मु डाउट रखिया देबिनी किंतु आपणको एतिकी रिक्वेस्ट प्रथमे जे कि आपण कॉन्सेप्ट टाकु क्लियर करूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करले जाय कि आपण एमसीक्यू करि परिबे बुझुचंती त तापर देखंतु कि समय सूचक अभय कौन कहला समय सूचक अभय तो आम केमी जानवा समय सूचक अभय क्या क्यों पद व्यवहार करने द्वारा आम से कह कि समय सूचक अभय सब डिस्कशन करवा प्रथम आप देखु जो अभय समय बा काल को बुझाइब समय सूचक अभय कहले कौन कहला ना जो अभय समय बा काल को बुझाइब आम समय सूचक अभय कह बुझिपाले देखु एबे केबे जेबे सेबे वर्तमान सहित जेते बेले सेते बेले हटात एई सबु पद जो जगार व्यवहार करा जाइथिबो तो आपण माने सांगे सांगे जानिबे सेइटा होउछि गोटिए समय सूचक अभय ठीक अछि बुझि पाइले ना बुझि पाइलेनि ए जो मने रखंतु एबे केबे जेबे सेबे वर्तमान सहित जेते बेले सेते बेले हटात एई सबु पदर व्यवहार करा जाइथिबो मने रखंतु दुटा एग्जाम्पल भी नहीं प्रत्येक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्पल नहीं जोटा कि आपंकर कनसेप्ट क्लीअर हो आसवा समय आसवा बेल होनी तो आपण मैंने कौन कहे ना मुझक कही कि एबेर व्यवहार जोटी कर तो ये आपणकर एबेर व्यवहार करें कहींपर बर्तमान आसवा बेल होनी ठीक अच्छे तो ये कौन ना आपण मैंने कहे यहीटा हूँ गोटे समय सूचक अभय बुझिपाले एबे केबे जेबे तेबे सेबे सहित जेते बेले हटात व्यवहार करागला माने आपण आखि बुझिकी कहिदेबे समय सूचक अभय क्लियर तापर देखंतु से हटात निष्पत्ति नेले बा से हटात निष्पत्ति नेला तो आपण माने कोन कहिबे हटात देखंतु हटात तो एठी अछि आपणकु मु मेंशन करिछि तो हटात कहिला माने तो आपण माने कहिबे एइटा हौछि गोटे समय सूचक अभय बुझिले तापर एमिति भी पचार दैथिबो राम हरि सहित क्रिकेट खेलुची राम हरि सहित क्रिकेट खेलुची देखंतु सहित भी एठी अछि तो आपण माने कहबे एटा भी मध्य होउची गोटे समय सूचक अभय बुझिले तबे एमिति भी कहबे बापा जत्ते बेले हाटरु आसिबे मु सेबे पाठ पढ़िबा आरंभ करिबी बापा जत्ते बेले हाटरु आसिबे सेत्ते बेले मु पढ़िबा आरंभ करिबी तो जत्ते बेले सेत्ते बेले रे देखंतु एठी अछि माने तो आपण माने कहबे एटा भी मध्य गोटे समय सूचक अभय आमे कहि परिबा क्लियर बुझिपाले समय सूचक अभय तापर चलतु नेक्स्ट देखा संबोधन सूचक अभय देखु संबोधन सूचक अभय संबोधन सूचक अभय आम क्या कह आपण मैंने कहे जन को डाक संबोधन करवा संबोधन सूचक अभय कह संबोधन सूचक अभयर मान हूँ आम जन को डाकुचे जन को संबोधन कर किसी आम कहूे ठीक अच्छे आम जन को जितने डाक कमी डाक आईदर ता ना धरवा जदि भी ना जाने तो के सब एरिया रे अलग अलग ना ना डका जाए किए डाके गो किए डाके होई किए डाके लो आगो आबे ठीक अच्छे ना यू वार्डर जो जगार व्यवहार करा थो तो आपण मैंने जानवे यहीटा हूँ गोटे संबोधन सूचक अभय बुझिपार्थ जन को डाक आम जन को डाकुचे जन को संबोधन करुचे आउ जन सहित ठीक अच्छे से आम कह संबोधन सूचक अभय तो देखो एग्जाम्पल देखने जापर हे नारायण रक्षा कर हे नारायण रक्षा कर तो कौन ये कौन कहतु कौटा गोटे संबोधन सूचक अभय हम हे नारायण रक्षा कर गो होई लो ये सब जो व्यवहार करा जाए ये कौन करुची ना हे नारायण हे बोली डाकुची ठीक अच्छे ये हेटा होमर कौन ना संबोधन सूचक अभय हे लगे डाकुची जन को बुझिपाले देखु लो झीओ आड़ को आसिलु लो झीओ लो लो ये कौन लोटा को व्यवहार कला लोटा हो गला कौन ना आपण मैंने कहे यहाँ हूँ गोटे संबोधन सूचक अभय बुझिपाले कहीं जन को डाकुची जन को डाकुची जन को आमर कौन ना संबोधन करुची तो जो वार्डटा लगी थो जो आपको कहली सहीटा आमर हो कौन ना संबोधन सूचक ठीक अच्छे बुझिपाले चलतु नेक्स्ट देखा तापर देखु कि ये कहला कि संयोजक अभय सेटा कला आमर संबोधन सूचक अभय ये आमको पचारा कि संयोजक अभय तो संयोजक अभय क्या कहुए प्रथम आपड़ जानतु ना जो अभयर दुई बा तत्वधिक पद वाक्य संयोजक कैसे संयोजक अभय कहुए माने कौन कहला बुझिपाले ना
जो अभयर दुई बा तत्वधिक पद वाक्य को संयोजक कै देख दुईट वाक्य अच्छी तो दुईट वाक्य को गोटे वाक्य संयोग करुच तो सेटा को आम कह संयोजक वाक्य जोटा संयोग करुटा को आम कह संयोजक वाक्य गोटे देखु जो जगार ओ एवं आहुरी पुणी बी मध्य फेरे तथा पुनर्बार व्यवहार करा जाई तो आम जापर से कौन ना आम कह संयोजक अभय कहीं दुईट वाक्य को जे कि जोड़ी जी जोड़े आम कह संयोजक अभय बुझिपाले बा संयोजक पद जहाँ कौच आपने नोट करूँ ठीक अच्छे तापर देखु एक्जाम्पल देखु राम ओ हरि दुई भाई थिले राम ओ हरि दुई भाई थिले कहतु ये दुईट वाक्य को किए आमर कौन संयोग करुच्ची ना आपण मैंने कहे ओ ओटा लग कि कौन करुच्च ना राम को हरि दुई भाई सांगे संयोग करुच्च ठीक अच्छे राम ओ हरि दुई भाई थिले तो यहाँ कौन ना ओटा जैक संयोग करें यहाँ को कह संयोजक अभय ठीक सेमती आउ गए देखो परीक्षा होना आउरी डेरी अच्छी परीक्षा होना आउरी डेरी अच्छी तो परीक्षा होना गोटे डेरी अच्छी है दुईटा ये दुईटा को किए संयोग करें कहे आउरी आउरी नामकटा कौन ना परीक्षा होना आहुरी डेरी अच्छी तो परीक्षा होना जे कि डेरी अच्छी को संयोग करुचे किए ना आहुरी संयोग करुच्चा हो गए संयोजक अभय बुझिपाले यही सब जोटि व्यवहार करा जाइथिबो आपण माने आराम से जानिपर से गोटे संयोजक अभय ठीक अच्छे संयोजक अभय मन रखिथिबे जी दुईटा को जोड़े पारस्परिक मध्य जोड़े आम कह संयोजक अभय ठीक सेमती देखु बीजोजक अभय बीजोजक अभय आम क्या कह जो दुईट वाक्य पृथक भाव बुझी हो बीजोजक अभय कह जाए कौन कहला बीजोजक अभय ना देखु आमर संयोजक अभय कहल कि दुईटा जाक जोड़ू ठीक अच्छे दुईटा को जोड़ू जी ताक आम संयोजक कह ये कहला कि जो दुईट वाक्य पृथक भाव मान कौन अलग अलग थी आम कौन बुझी होमें बीजोजक अभय कह जमीक देखूँ किंतु मात्र तथा परछु अथवा किंवा यही सब जो व्यवहार कराई तो आपण मैंने कहे से गोटे बीजोजक अभय जमीक एक्जाम्पल दूँ देखूँ वर्षा है तथा फसल हलानी वर्षा हेला तथापि फसल भल हेलानी तथापिटा कौन ना बीजोजक अभय ठीक सेमती देखु एत औषध खाइली तथापि देह भल हेलानी एत औषध खाइली तथापि तथापि देखु ये लगी तथापि देह भल हेलानी तो आम कहीपर यहीगरा सब हूँ गोटे गोटे बीजोजक अभय तापर सांग मैंने देखु आम देखा टी वर्तमान हेतुसूचक अभय हेतुसूचक अभय आम क्या कह केमी जाना यहाँ गोटे आम हेतुसूचक अभय अच्छी देखु जो जगार से देखा प्रथम देखु हेतु बा कारण प्रकाश करुवि अभय को आम हेतुबोधक अभय कह बुझिपाले हेतु बा कारण गोटे रिजन प्रकाश करुवे हेतुबोधक अभय बोली कह जो जगार एणु तेणु जेणु सुतरा ठीक अच्छे यहीगरा सब अति यहीगरा सब व्यवहार करा तो आम जाना से गोटे आमर हेतुबोधक अभय एवं हेतुबोधक अभय कौन ना जनकर कारण को प्रकाश करुटा भी मन रखु जमीक एक्जाम्पल देखु काली मो देह खराब थिला तेणु मु पढ़ी पारी ना तो सी काली कौन पाई पढ़ी पारा ना ना ता देह खराब थिला तो सी एटी गोटे कारण प्रकाश कला मुझे कौन पाई पढ़ी पारी ना मो देह खराब थिला से मुझे पढ़ी पारी ना यहीटा जो प्रकाश कला से गोटे कौन ता कारण प्रकाश कला तो ये मुझू कौन कही कौन व्यवहार करो देह खराब थिला तेणु देखु तेणुर व्यवहार भी मध्य करू जापर प्रथम जदि आपणकर ए वार्ड गुरा मन रोनी तो आपण मैंने टाइप मन रखु हेतुबोधक क्या कहाना ना गोटे कारण प्रकाश करुव तो ये गोटे आपन को एक्जाम्पल दे काली मो देह खराब थिला तेणु मुसीपारि ना तेणु मु पढ़ी पारि ना तो शिक्षक कहे कि काली तुम्हें कौन पाई पढ़िल से कारण दर्शेला कहीं काली मोर देह खराब थिला से मु पढ़ी पारि ना तो आपण मैंने एमती भी जापर सार कहते कि हेतुबोधक अभय होदी जन कारण प्रकाश करे तो ये पढ़ी पारानी काली कौन पाई पढ़ी ना से कारण प्रकाश कला काली मो देह खराब थिला से मुझे पढ़ी पारि ना तो आपण मैंने एमती भी जापर यहाँ गोटे हूँ हेतुबोधक अभय बुझिपाले देखते आउ गए एक्जाम्पल नहीं देखु गीता परीक्षा रे भल नंबर रखिपारा ना कहीं से पढ़ी ना कौन कहली गीता परीक्षा रे भल नंबर रखिपारा ना
କାହିଁକି ନା ସିଏ ପଢ଼ିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିଲାନି, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଦର୍ଶଉଛି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର କ'ଣ ପାଇଁକି ରଖିନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ପଢ଼ିନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏଠି କହିଲା କି ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅଭୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅଭୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯେଉଁ ଅଭୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ ବା ସମାନତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅଭୟ କୁହାଯିବ, ବା ଆମେ ତାକୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅଭୟ କହିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିଲା କି ଯଥା, ତଥା, ଯେପରି, ସେପରି, ଏପରି, ପ୍ରାୟ, ପରି, ଏମନ୍ତ, ଯେମନ୍ତ, ଏମିତି, ସେମିତି, ଯେମିତି, ଏହିସବୁ ପଦ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ କହିଦେବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅଭୟ। କ୍ଲିଅର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି, ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ଏଠି କେଉଁଠି ନା ଏମିତି ଲାଗିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି କହିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୀତା ପରି ଝିଅ ପାଇବା କଷ୍ଟ, ସୀତା ପରି ପରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ପରିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କହିଛି ପରିର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ କହିଦେବେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅଭୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ମେଳାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ କହିଦେବେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅଭୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି କହିଲା କି ବିପର୍ଯ୍ୟାତକ ଅଭୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପର୍ଯ୍ୟାତକ ଅଭୟ କହୁଛି କି ଯେଉଁ ଅଭୟ ପଦ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ବିପର୍ଯ୍ୟାତକ ଅଭୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ବା ଯେଉଁ ଅଭୟ ପଦଟା ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ମନେ ରଖିଥାଉ ଏତିକି, ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିପର୍ଯ୍ୟାତକ ଅଭୟ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ନା ବାରମ୍ବାର, ପୁନର୍ବାର ବା ପୁନର୍ପୁନଃ, ଘନ ଘନ, ଥରକୁ ଥର, ପୁନର୍ବାର, ଆହୁରି, ତାପରକୁ ପୁଣି ପୁଣି, ଲାଗି ଲାଗି, ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିନେବା। ବାରମ୍ବାର ସେଇ କାମ କର ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ସେଇ କାମ କର ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାରର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ତ ଆପଣମାନେ କହିଦେବେ କ'ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟାତକ ଅଭୟ। ତାପରକୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା, ଲଗାତାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଲଗାତାର ବି ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟାତକ ଅଭୟ। ତାପରକୁ ଆହୁରି 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 ଖାଇବି ମୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟାତକ ଅଭୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବାରମ୍ବାର, ଲଗାତାର, ଆହୁରି ଆହୁରି, ତ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଯେଉଁ ଅଭୟ ପଦ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଅର୍ଥ ଗୁରା ବାରମ୍ବାରର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ବିପର୍ଯ୍ୟାତକ ଅଭୟ ବୋଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅଭୟ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅଭୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟି ରହୁଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବୁଝିବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅଭୟ ଯେଉଁ ଅଭୟ ଦ୍ୱାରା ଯେ କି କ'ଣ କହିଲା ନା ହସ, ବିଷାଦ, ଘୃଣା ଓ ବିସ୍ମୟ ଆଦି ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅଭୟ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ କି ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା ଆହା, ପ୍ରାୟ, ଓହୋ, ଛି, କି, ସାବାସ, ଭାବନା, ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅଭୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ହା ରାମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆହା ରାମ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି, ଓହୋ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଓହୋ, ଓହୋର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବାହାର ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅଭୟ ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ବିକଳାତ୍ମକ ଅଭୟ, ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ଅଭୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅଭୟ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବା କିମ୍ବା ଅଥବା ନଚେତ ନୋଇଲେ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କହିବେ କ'ଣ ନା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅଭୟ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୀତା ବା ଗୀତା କେହି ଆଜି ଆସିବେ ନାହିଁ, ସୀତା ବା ଗୀତା କେହି ଆଜି ଆସିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ?
एटा अबा ठीक अच्छे एटा अब अबा सीता अबा गीता तो ये अबाटा लगे मैंने आपने जापरेंगे यहाँ हूँ गोटे विकल्पार्थक अभय सेमती तुम्हें अबा राकेश जी गले भी चलो तुम्हें अबा राकेश दिजों भितर जी भी गले चलो कि अबाटा जो लगे दिजों मझीरे यही अबाटा लगे द्वारा आम कहीपर यहाँ हूँ गोटे विकल्पार्थक अभय तापर देखो विभक्ति सूचक अभय विभक्ति सूचक अभय कौन ना विभक्तिर सूचना दे विभक्तिर सूचना दे सहीटा को आम विभक्ति सूचक अभय बोली कहिबा जमती कि माने गुड़िक कु मानकु रे द्वारा रु ठारु इत्यादि यहीगुरा सब जो व्यवहार करें कहे ये हूँ गोटे विभक्ति सूचक अभय माने गोटे विभक्ति करुथिबो ठीक अच्छे विभक्ति करुथिबो देखु तुम्हें यह करने पड़ तुमको पड़ो ठीक अच्छे कौन कहली तुमको यह पड़ो ये कौन कही विभक्ति सूचना कौन ना विभक्तिर सूचना दे गोटे विभक्तिर सूचना देखू आम विभक्ति सूचक कह तो ये कहतु किए गोटे विभक्तिर सूचना दे तुमको यह पड़ो यहाँ गोटे विभक्तिर सूचना दे तो आम कहीपर विभक्ति सूचक अभय सेमती तुम ठारु मु बहुत किसी आशा कै तुम ठारु मु बहुत किसी आशा करे तो कौन कह तुम ठारु देखो ठारु व्यवहार कराईटा को कहे आपण मैने कौन ना विभक्ति सूचक अभय देखो सांग मैंने ये फास्ट एग्जाम्पल आपको देली ना तुमको यह पड़ो एटा यह हेनी एटा हम कु ठीक अच्छे ये कूटार व्यवहार करें कह विभक्ति सूचक अभय ए यहाँ हेनी ठीक अच्छे मुझे ये मिस्टेक कहीदेली तो ये कूटा लगे ये कूटा लगे द्वारा आम आपको कहीपर विभक्ति सूचक अभय तापर देखु जे कि देव द्वारा किसी कम हो तो कौन कह देव द्वारा किसी कम होना तो ये कहतु कौन है ये द्वारा व्यवहार करागला ये द्वाराटा हूँ कौन ना गोटे विभक्ति सूचक अभय सब मन रखु बहुत इंपोर्टेंट रोचे तापर देखु कि परिमाण सूचक अभय परिमाण सूचक अभयटा कौन ना जो अभय परिमाण प्रकाश करे ताकु परिमाण सूचक अभय कह जाए परिमाणर जमीक एते जेते सेतेकर जो जगार व्यवहार करेंगे परिमाण सूचक अभय जमीक जी पाइल सेथेष कौन कौन कह तो जी देखु व्यवहार करी व्यवहार करतीकी भी व्यवहार करो आपने कहे यहीटा हूँ गोटे परिमाण सूचक अभय तापर को एते धन मोर दरकार नाते धन एतर व्यवहार कर देखु तो यू देखिकी भी आपर यहाँ हूँ गोटे परिमाण सूचक अभय तापर देखु सम्मति सूचक अभय कौन ना जो अभय द्वारा सम्मति बा स्वीकृति सूचित होता है सम्मति सूचक अभय कहुए कौन कहला ना जो अभय द्वारा गोटे सहमति सम्मति स्वीकृति सूचित होता है आम सम्मति सूचक कहीपर देखु हाँ आज्ञा अवश्य निश्चय सीना जो जगह व्यवहार करें कहे यहाँ हूँ गोटे सम्मति सूचक अभय जमीक एग्जाम्पल दौर गोपाल एठिकी आस आच्छा जाऊँगी कौन ना गोपाल एटिकी आस बाठिकी आस तो गोपाल कौन कहला आच्छा जाऊँगी आज्ञा जाऊँगी हाँ जाऊँगी अवश्य जीवी ठीक अच्छे यही गुरा सब व्यवहार करागला तो आपण मैंने कहे कौन ना ये हूँ गोटे सम्मति सूचक अभय अवश्य यही कम मुबी अवश्य यही कम मुबी अवश्य लगे कौन हो गला ना सम्मति सूचक अभय घर को सुंदर सीना घरणी थी घर को सुंदर सीना घरणी थी कौन कहला घर को सुंदर घरणी थी कौन ना सीना यही सीनाटा लगे द्वारा यहाँ होगा कौन ना सम्मति सूचक अभय घर को सुंदर घरणी थी कौन ना सीना घर को सुंदर सीना घरणी थी सीनाटा लगे द्वारा आमर सम्मति सूचक अभय हो जाऊँगी आम कह सम्मति सूचक अभय जो कि जो अभय द्वारा सम्मति स्वीकृति सूचित होता है तो यही सीना लगे द्वारा कौन है ना आमर गोटे सम्मति सहमति स्वीकृति ठीक अच्छे जे कि आम सम्मति सूचक कह ठीक अच्छे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देखो सांग मैंने वर्तमान जे कि आम पूरा कनसेप्ट सरीगला आम आरंभ करदे वर्तमान एमसीक्यू जदि आप कनसेप्ट क्लीयर होते निश्चय ये 100% आंसर देवे ठीक अच्छे तापर देखु ये कौन कह फास्ट क्वेश्चन अबिकल संस्कृत भाषार अभय गुड़िक ओडिया भाषा व्यवहृत हुए से गुड़ी कौन कहुए वैदेशिक अभय ना देशज अभय ना कौन ना तत्सम्यमूलक अभय ना तद्भवमूलक अभय देखो सांग मैंने एटा तो मुझे कहनी किंतु ये आगुरी मुझे पढ़े आसीच जो मैंने कंटिन्यू क्लास करेंगे से मैंने कहीपरि ठीक अच्छे ए
ये जो आपन को वर्तमान कहली गोटे क्वेश्चन देली यहाँ देखिए आज क्लास आपको पढ़ेनि कि पूर्व आपको पढ़े तो मन रखुदु यार आंसर कौन है कहतु अबिकल संस्कृत भाषा अवय गुड़िक ओडिया भाषा व्यवहृत हुए से गुड़क आम कौन बोली कह आपने कह ऑप्शन सी तत्सममूलक अवय बोली कहपर देखु क्वेश्चन नंबर टू मूल संस्कृत रूपर परिवर्तन घटी ओडिया भाषा व्यवहृत अवय गुड़ी कौन कह जाए मूल संस्कृत रूपर परिवर्तन घटी ओडिया भाषा व्यवहृत अवय गुड़ी कौन कह जाए ना ऑप्शन सी तद्भवमूलक अवय बोली आम कह ठीक अच्छे मूल संस्कृत रूपर परिवर्तन घटी ओडिया भाषा व्यवहृत होमें कह तद्भवमूलक अभय तो प्रथम किसी ये क्वेश्चन आम डिस्कसन करापर आम जो आपको पढ़ले बर्तमान आसे थीओरी तार भी एम सी क्यू रखी ताकू भी आम डिस्कसन करवा क्वेश्चन नंबर थ्री देखु विदेशी भाषार आसी ओडिया भाषा ओडिया व्यवहृत अवय गुड़ी कौन कह जाए जो भाषा गुड़िक विदेशी भाषा आसी ओडिया जेकि व्यवहृत हो तो आम कौन बोली कह के अभय कौन बोली कह तो आपे आम वैदेशिक बोली कह ठीक अच्छे विदेशी भाषार आसी ओडिया जेकि व्यवहृत अवय गुड़ को आम वैदेशिक बोली कह ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव देखु पुनर्स यह क्यों श्रेणीर अभय वैदेशिक ना देशज ना तत्सम ना उद्भव कौन है करेक्ट आंसर ना ऑप्शन सी तत्सम ठीक अच्छे पुनर्स जो हूँ गोटे तत्सम श्रेणीर अभय ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर तापर देखु क्वेश्चन नंबर सिक्स प्राय यह क्यों श्रेणीर अभय प्राय यहाँ क्यों श्रेणीर अभय कहतु ना आपण मैंने कह ऑप्शन बी तद्भव श्रेणीर अभय बुझिपाले तद्भव संस्कृत रु आसी से आम कह तद्भव ठीक अच्छे तापर देखु आलो आलो यह क्यों श्रेणीर अभय आलो आलो यह क्यों श्रेणीर अभय करेक्ट आंसर कौन है ना आपण मैंने कह ऑप्शन बी देशज शब्दर अभय ठीक अच्छे आलो आलो हे कौ श्रेणीर अभय ना देशज ऑप्शन बी हो क्वेश्चन नंबर सेवेन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट देखु आस्ते आस्ते यह क्यों श्रेणीर अभय आस्ते आस्ते यह क्यों श्रेणीर अभय ना ऑप्शन सी देशजर अभय ठीक अच्छे तापर देखु वर्तमान आमर आरंभ है आम जो थ्योरी पढ़ी आसी से क्वेश्चन ठीक अच्छे अभय पद गुड़िक क्यों अनुसार परिवर्तित हुंती नाही अभय पद गुड़िक अभय पद जो रहा क्यों अनुसार परिवर्तित हुंती नाही पचारा तो विभक्ति ना वचन ना कारक ना सबुगुड़िक तो आपण मैंने कहे ऑप्शन डी सबुगुड़िक ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखु क्वेश्चन नंबर टेन संयोजक अभय क्या कहुए संयोजक अभय क्या कहुए मुझे कौन कह करेक्ट आंसर ना आपण मैंने कहे संयोग अभय जी दुईटा पद को आम कौन कै ना जॉइंट करे तो आपण मैंने कहे ऑप्शन सी जहाँ दुईटी पद वाक्य को संयोग करे ताकू आम संयोजक अभय बोली कह कि ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर जो मैंने कनसेप्ट पढ़ी थे से मैंने ही उत्तर दे पारे मुझे फास्ट रू कही से कनसेप्ट को प्रथम क्लीयर करूँ गोपाल केवल पाठ पढ़े आउ किसी कै ना रेखांकित तो पदटी के प्रकार अभय कहतु ये आउटा लगला आउटा के प्रकार अभय मुझे आरंभ रू कही कहतु आउटा के प्रकार अभय हम ना आपण मैंने कहे ऑप्शन डी संयोजक अभय आउ कौन करुचिना गोपाल केवल पाठ पढ़े गोटे आकु कौन करुचिना किसी कै ना सहित जॉइंट करुची तो दीटा को जेहेतु आप परस्परिक मध्य जॉइंट करुची तो आम आपको किए जॉइंट करुचिना आउ एटा को आम कह कौन ना संयोजक अभय क्लीयर नेक्स्ट क्वेश्चन देखु क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मु स्कूल को जी एवं सेठारे चारिटा पर्यंत रही रेखांकित तो पदटी के प्रकार अभय एवंटा कहतु के प्रकार अभय लगवा द्वारा वाक्यटी के प्रकार अभय हो जाऊँगी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करेक्ट आंसर कौन है ना आपण मैंने कहे यहाँ भी संयोजक अभय मु स्कूल को जी सहित सेठारे चारिटा पर्यंत बसवि सहित जोड़ू किए ना एवंटा तो यहाँ को आम कह संयोजक अभय बोली क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखु क्वेश्चन नंबर थर्टीन पुओ कटक गला मात्र बापा को देखा कला ना रेखांकित तो पदटी के प्रकार अभय कहतु पुओ कटक गला मात्र बापा को देखा कला ना यहाँ के प्रकार अभय हम कहतु क्वेश्चन नंबर थर्टीन
ना आपण माने कहबे बीजोजक अभय ऑप्शन बी हे जीव एठी करेक्ट आंसर बीजोजक अभय माने रखिथिबे म आपण मानु कहितली बीजोजक अभय रे कोन कोन लागिवो ना किंतु मात्र तथापि परंतु अथच ए सब वर्ड जोटी व्यवहार करा जाय छी तो आपण माने कहबे एटा होची गोटी बीजोजक अभय। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 14 कहि देबा खूब सहज अथच कार्य रे परिणत करबा कष्ट एई वाक्य रे अभय पदटी केउटा कहिदेबा खूब सहज अथच कार्य रे परिणत करबा कष्ट एई वाक्य रे अभय पद केउटा सहज ना करबा ना अथच ना कहिदेबा करेक्ट आंसर कोड हबो कोंतु क्वेश्चन नंबर 14 ना आपण माने कहबे ऑप्शन सी अथच अथचटा होउछि हमर गोटे कोण ना हमर अभय पद ऑप्शन सी हे जीव एठी करेक्ट आंसर मन रखिथिबे ठीक अछि। जदि पचारिबो अथचटा केउ प्रकार रो अभय तो आपण माने कहबे एटा होउछि गोटे बीजोजक अभय ठीक अछि अथचटा होउछि हमर गोटे बीजोजक अभय मन रखिथिबे ठीक अछि। चलंतु नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 कोन कहउछि निम्नोक्त मध्यरु बीजोजक अभयर संज्ञा केउटा बीजोजक अभयर संज्ञा कोठा हबो कोंतु ना आपण माने कहबे ऑप्शन डी जा दुईटी वाक्यर भाव को अलगा करे जहा दुईटी वाक्यर भाव को अलगा करे ताकु बीजोजक कहा जाए एवं जे दुईटा वाक्य को जॉइंट करे ताकु आमे संयोजक कहिबा बुझी पारुचंती तो बीजोजक अलगा करूची संयोजक जॉइंट करूची बुझी पाइले ऑप्शन डी हे जीव एठी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 रो ठीक अछि। तापर देखंतु ऑप्शन बी जेउ पद द्वारा विकल्प अर्थ प्रकाश करे ताकु आमे कोन बोली कहिबा बा केउ अभय बोली कहिबा टिके पूर्वरु कहि के आइछि जेउ पद द्वारा विकल्प अर्थ प्रकाश करे ताकु आमे कोन बोली कहिबा ना आपण माने कहिबे बीजोजक ताकु कोन कहिबा बीजोजक ना बा ताकु कोड बीजोजक कहिबा ताकु आमे कहिबा विकल्प अर्थक अभय माने रखंतु विकल्प अर्थक अभय ठीक अछि जेउ पद द्वारा विकल्प अर्थ प्रकाश करे ताकु आमे विकल्प अर्थक अभय बोली कहिबा। तापर देखंतु जहा वाक्यर भाव को कारण सूचक करे जहा वाक्यर भाव को कारण सूचक करे ताकु केउ अभय बोली कहिबा ना ताकु आमे कहिबा करण सूचक बा कारण सूचक अभय बोली कहिबा बा आकु आमे कहि पारिबा हेतु बोधक अभय कारण सूचक अभय को आमे कहि पारिबा हेतु सूचक बा हेतु बोधक अभय बोली मन रखिथिबे। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 कोन कहउची निम्नोक्त मध्यरु केउटी विभक्ति सूचक अभय नुहे ए जो बोली बिना धिक अपेक्षा एमानक मध्यरु कोउटा गोटिए विभक्ति सूचक अभय नुहे तो करेक्ट आंसर कोन करिवे ना ऑप्शन सी धिक धिक होउची गोटिए विभक्ति सूचक अभय नुहे बाकी रहिला बोली बिना अपेक्षा ये सब होउची गोटिए गोटिए विभक्ति सूचक अभय किंतु धिकटा होउची गोटिए विभक्ति सूचक अभय नुहे। क्वेश्चन नंबर 20 देखंतु कारण सूचक अभय कहा को कहिबा टिके पूर्व आपण मान को कहि केली कारण सूचक अभय कहा को कहिबा बा आकु आमे कहि परिबा हेतु बोधक अभय बोली तो एटी करेक्ट आंसर कोन हेबो ना आपण माने कहिबे ऑप्शन डी जेउ पद वाक्यर भाव को हेतु बोध करे जेउ पद वाक्यर भाव को हेतु बोध करे ताकु आमे कारण सूचक अभय बोली कहिबा बा आकु आमे कहि परिबा हेतु बोधक अभय बोली क्लियर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 21 काले मेघ हेबो से छताटीए नेला रेखांकित पदटी केउं प्रकार रो अभय काले मने पकांतु कोन कहिथिली कांसेप्ट रे काले मेघ हेबो से छताटीए नेला वर्तमान पर्यंत मेघ होइनी ये आगुआ भाबी छी एडवांस भाबी कि नै छी जदि वर्षा हेला सेति पई मु छता नै जाई छी तो मु ओदाई परबि नै ठीक अछि काले लगैछि तो एटा कोन हेबो केउ प्रकार रो अभय तो आपण माने कहबे संभावना सूचक संभावना तो वर्षा हबार संभावना अछि सेति पई से छता नै जाई छी ठीक अछि जदि वर्षा हला से छता मार के जीवो ओदा हबनी तो एटी कोन करबे ना संभावना सूचक अभय एटा काले लागिछि ठीक अछि बुझी पाइले। चलंतु नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 22 देखंतु क्वेश्चन टी कोन पचारिछि तुमे दोष करिछ तेणु भूल मागिबा उचित रेखांकित पदटी केउ प्रकार रो अभय तुमे दोष करिछ तेणु भूल मागिबा उचित एटा केउ प्रकार रो अभय कोंतु ना आपण माने कहबे ऑप्शन सी कारण सूचक अभय ठीक अछि बाकु आमे कहि परबा कोन हेतु बोधक अभय बोली तुमे भूल दोष करिछ तुमे दोष करिछ सेति पई भूल मागिबा उचित कारण तुमे दोष करिछ सेति पई ऑप्शन सी कारण सूचक अभय। 23 देखंतु क्वेश्चन टी कोन कहउची
कौन कौन ना विपसार्थक अभय क्या कहते विपसार्थक अभय क्या कहते कहतु क्वेश्चन नंबर 23 ना आपण माने कहिबे ऑप्शन कौन ना बी जो पद बारंबार प्रकाश करे जो अर्थ बारंबार को अर्थ प्रकाश करे ताकू आमे कहिबा विपसार्थक अभय बोली ऑप्शन बी हो जीव एठी करेक्ट आंसर जमीक आपन को कहिथली आउरी आउरी घन घन मन पड़ुची। लास्ट क्वेश्चन देखु क्वेश्चन नंबर 24 दर्शक माने घन घन कलतारी मारदे रेखांकित पदटी के प्रकार अभय कहतु सांगे सांगे कहले आपण को दर्शक माने घन घन करताली देले एटा केउ प्रकार अभय तो आपण माने कहबे घन घन आहुरी आहुरी ठीक अछि जल्दी जल्दी तो एगर सब व्यवहार करा जाय छि माने आमे आकु कहबा ऑप्शन डी विपसार्थक अभय ठीक अछि बारंबार अर्थ प्रकाश करथुओ सेटा को आमे कहू विपसार्थक अभय तो एटी घन घन लागि छि आमे एटा को आराम से कहि देबा एटा होछि गोटे विपसार्थक अभय सांग माने ए थिला हमर आज अभयर गोटे क्लास जोटा कि आपण मानक बहुत हेल्प करिवो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु जदि वीडियोटी आपण मानक भलो लागुची तेबे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक करिके एवं सांग साथी मानक वीडियोटी को शेयर करंतु तो मु बहुत जल्दी आपण मानक पई नेक्स्ट वीडियोटी नै आसुची जय जगन्नाथ।